तो सुरेंद्र सरकार का शपथ ग्रहण और राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और अब शपथ ग्रहण समारोह की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो रही है। तो राष्ट्रगान राज्यपाल के पहुंचने के बाद अब हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन तस्वीरों में और ये चेहरा इसलिए अहम है क्योंकि शांत रहकर शालीनता के साथ पूरे चुनाव के दौरान इन्होंने रणनीति बनाई कि कैसे रघुवर दास सरकार का मुकाबला किया जाए। इस रणनीति में वो पूरी तरीके से सफल हुए और उस सफलता का नतीजा ये है कि आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं दूसरी बार। इससे पहले 1.5 साल तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी, जुलाई 2013 में शपथ जब उन्होंने ली थी तब। नियुक्ति संबंधी अधिसूचना पढ़ता हूँ। आदेश संख्या 21/2019 3245 दिनांक 29/12/2019 ने द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हेमंत सोरेन को झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हूँ। ऑर्डर नंबर 21/2019 आई द्रौपदी मुर्मू गवर्नर ऑफ झारखंड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स वेस्टेड इन मी अंडर आर्टिकल 164(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंट श्री हेमंत सोरेन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड स्टेट। माननीय राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संयमक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हेमंत सोरेन ने अब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है।
रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान से, और अब उनके सामने ये जिम्मेदारी होगी और चुनौती होगी कि राज्य को नई ऊंचाई तक लेकर कैसे जाएं, क्योंकि राज्य किन मुश्किल हालातों में है इसका जिक्र लगातार हेमंत सोरेन ने किया है और उन्हीं बातों को लेकर वो जनता के बीच गए, जिसके बाद जनता ने उनकी बातों पर सहमति दी और मुहर लगा दी कि अब आप राज्य की कमान संभालिए। हेमंत सोरेन को संगीत और ड्राइविंग का शौक है। 10 अगस्त 1970 को बिहार के रामगढ़ जिले में जन्म हुआ और अब दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली है। इससे पहले जुलाई 2013 में उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब 1 साल 5 महीने और 10 दिन तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी और अब दूसरा कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री झारखंड में आज शुरू हो रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और शपथ ग्रहण से पहले जो अच्छी बात, 41 जो बहुमत का आंकड़ा है उससे ज्यादा 12 विधायकों का समर्थन और उनके पास है, यानी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार चलाएंगे। और जिन जिम्मेदारियों और चुनौतियों की बातचीत हुई है उनके सामने ये चैलेंज होगा कि आने वाले 5 सालों में उस पर खरा उतरे। तो झारखंड के राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिला दी है हेमंत सोरेन को दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर। निरंजन जी, एक कमेंट आपका, चुनौतियां बढ़ी हैं, जिम्मेदारियां बढ़ी हैं और चैलेंज बढ़ा है, जिसका जिक्र लगातार हेमंत सोरेन ने अपनी चुनावी जनसभाओं में किया है। देखिए राकेश जी, मेरे हिसाब से इस बार जो हेमंत सोरेन जी जो सीख करके आए हैं, जो पहले वो राजनीति के अंदर जो उनके अंदर वो नए नवेले थे और उनको इतना अनुभव नहीं था, लेकिन जो पिछले 6 साल के अंदर उन्होंने जो मेहनत करी है 2013 के बाद 2014 में मुख्यमंत्री हटने के बाद में जो उन्होंने सीखा है और जिस हिसाब से वो जनता को कनेक्ट किया है उन्होंने एक चीज को उन्होंने आपने देखा होगा कि उन्होंने किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं किया, उन्होंने ऐसी कोई हवा हवाई बातें नहीं करी, उन्होंने बैठ करके बड़ी गहनता से जो रघुवर दास जी की जो सरकार चली है उसकी कमियां उन्होंने देखी और जनता को उन कमियों को समझाने में एवं मंत्री परिषद का सदस्य नियुक्त करती हूं। एक श्री आलमगीर आलम, दो श्री रामेश्वर उरांव, तीन श्री सत्यानंद भोक्ता, द्रौपदी मुर्मू। ऑर्डर नंबर 21/2019-3246 जीएस डेटेड 29/12/2019। आई द्रौपदी मुर्मू, गवर्नर ऑफ झारखंड, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स वेस्टेड इन मी अंडर आर्टिकल 164(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपॉइंट फॉलोइंग पर्संस एज मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ झारखंड स्टेट। 1 श्री आलमगीर आलम, 2 श्री रामेश्वर उरांव, 3 श्री सत्यानंद भोक्ता, द्रौपदी मुर्मू। माननीय राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री आलमगीर आलम जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें। और एक तरह से कहा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की पूर्णता एवं लोकतंत्र अच्छा रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य पर श्रद्धा करूंगा और शुद्ध अंतकरण से निर्वाचन करूंगा तथा मैं विजय या पक्षपात अनुदान या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और नीति के अनुसार न्याय करूंगा।
जो विषय का अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि इसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य को समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। आलम ने मंत्री पद की शपथ ली है। पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, फिलहाल पाकुड़ से विधायक हैं, चौथी बार विधायक चुने गए हैं और साथ ही मौजूदा कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई तो सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया और खुद इस बात का जो अनुमोदन है वो झारखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से आया था। तो एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद और बड़ा ओहदा हेमंत सोरेन सरकार में आलमगीर आलम के पास। ऋषि एक कमेंट आपका। राकेश जी, ये आलमगीर आलम जो हैं पाकुड़ से जीते हैं और क्या कहते हैं आपको कि ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आलमगीर आलम वही प्रत्याशी हैं जिनके लिए प्रियंका गांधी प्रचार करने गई थी। आपको याद होगा झारखंड के अंतिम फेज में प्रियंका गांधी प्रचार करने गई थी, तो पाकुड़ में ही करने गई थी और ये बहुत ही अनुभवी नेता है और इसलिए पार्टी ने एक मुस्लिम चेहरा को आगे बढ़ाया, क्योंकि सीएम जो है आदिवासी है और मुस्लिम मतदाताओं को पकड़ रखने के लिए कांग्रेस ने इनको आगे बढ़ाया है और इनको प्रशासनिक अनुभव भी काफी रहा है। बिल्कुल, तो आलमगीर आलम और रामेश्वर उरांव ने खुद इनकी बात का, इनके नाम का जिक्र किया था कि इन्हें विधायक दल का नेता चुना जाए जो कि खुद प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। जी, रामेश्वर उरांव लोहरदगा से जीते हैं और मैं बताऊं रामेश्वर उरांव का इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कि रामेश्वर उरांव किनको हराए हैं, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को ही हराए हैं जो बीजेपी के टिकट पे इस बार लड़ रहे थे। और लोहरदगा का इंटरेस्टिंग एक पहलू ये भी है राकेश जी, यदि आसू और बीजेपी में गठबंधन हो जाता तो लोहरदगा का रिजल्ट और नतीजे में जो कहूं कुछ और होता, क्योंकि आसू के जो प्रत्याशी थी वो करीब करीब 39,000 समथिंग वोट लेके चली गई, जिसके कारण है कि रामेश्वर उरांव 30,000 से अधिक मतों से वहां जीते हैं। तो कहीं न कहीं जो ये लगाया जाता था कि आसू और बीजेपी में गठबंधन हो जाती तो नतीजे कुछ और होते, वो लोहरदगा सीट कहीं न कहीं दर्शाती है। और ये रामेश्वर उरांव प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, शायद पूर्व आईएएस भी रहे हैं। आदिवासी चेहरा है, बड़े आदिवासी चेहरा। तो ये तस्वीरें, आलमगीर आलम ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और अब रामेश्वर उरांव की बारी है, वो शपथ लेंगे और पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। मैं रामेश्वर उरांव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामेश्वर उरांव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दस्तखत। उरांव ने, आलमगीर आलम के बाद रामेश्वर उरांव ने पद की शपथ ले ली है, मंत्री पद की शपथ ले ली है, फिलहाल झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लोहरदगा से चुनाव जीतकर विधायक बने, जिसका जिक्र ऋषि कर रहे थे। 1972 बैच के आईपीएस रह चुके हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उन्होंने ली अपनी सर्विस से और उसके बाद
पॉलिटिक्स में आ गए, राष्ट्रीय झारखंड पुलिस के एडीजी भी रहे हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे हैं, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और एक बड़ा कद और आरपीएन सिंह के साथ मिलकर ऋषि मुझे लगता है कि जो जीत मिली है कांग्रेस को उसमें एक बड़ा योगदान इनका रामेश्वर उरांव का। बिल्कुल, देखिए जब अजय कुमार को हटाया गया था तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि कांग्रेस गलती कर रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस आलाकमान ने रामेश्वर उरांव पे दाव लगा के कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि सही किया कि पांच विधायक हुआ करती थी झारखंड में कांग्रेस का, आज 16 है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो दाव था आरपीएन सिंह, उमेश्वर राव, आलमगीर आलम जैसे नेताओं का ताना बाना जोड़ के उन्होंने आगे जो पुश किया, कहीं ना कहीं इस चुनाव में उनको फायदा मिली है। इसी का परिणाम है कि करीब करीब तिगुना से भी ज्यादा सीट कांग्रेस को, यदि पिछले बार का आप आंकड़ा देखें तो पिछले बार कांग्रेस के पांच विधायक थे, अब 16 विधायक है, तो कहीं ना कहीं नतीजे अच्छे हैं। इनके अनुभव को देखते हुए कांग्रेस ने इन्हें स्ट्रेटजी के साथ उतारा, क्योंकि ये मनमोहन सिंह सरकार में कैबिनेट राज्य मंत्री रह चुके हैं। जी बिल्कुल, अनुभव है इनके पास प्रशासनिक अनुभव है, एडीजी रहे हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस झारखंड रहे हैं, और केंद्र में राज्य मंत्री रहे हैं, तो इस हिसाब से ही इनको उस प्रकार की जिम्मेवारी दी गई थी। बिल्कुल, तो यह बड़ी तस्वीर। दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं हेमंत सोरेन, आलमगीर आलम ने उनके बाद मंत्री पद की शपथ ली है, और उनके बाद अब रामेश्वर उरांव ने ले ली है मंत्री पद की शपथ। केंद्रीय सरकार में मनमोहन सिंह कैबिनेट में एमओएस रह चुके हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, अब एक विधायक और शपथ लेंगे राखी जी, शायद आरजेडी कोटे से। जो फॉर्मूला जहां तक मुझे जानकारी है 6-4-1 का है, मतलब 6 मिनिस्टर जेएमएम के होंगे, एक 2 मिनिस्टर अभी जो क्या कहते हैं अभी जो शपथ लेंगे, हालांकि 4 मिनिस्टर कांग्रेस कोटा में दिया गया है, और शपथ लेने के बाद सभी नेताओं से मुलाकात की है, राहुल गांधी के पास गए, अशोक गहलोत जितने कांग्रेस के बड़ी टॉप लीडरशिप है, और राकेश जी संभावना ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, हम उसे याद होगा कि किसी व्यक्ति व्यक्तियों को सबके लिए सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का समय के परिवहन के लिए ऐसा करना उचित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा या प्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित किया नहीं गया। तो सत्यानंद भोक्ता ने अब मंत्री पद की शपथ ली है, और दिलचस्प बात यह है कि जो कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम का गठबंधन चुनाव में उतरा था, तो आरजेडी के इकलौते विधायक हैं जीतने वाले, चतरा से विधायक हैं, महागठबंधन में राजद की तरफ से जीतने वाले इकलौते प्रदेश के विधायक हैं। 15 साल तक इनका वनवास एक तरीके से राजनीति में चल रहा था, 15 वर्षों के बाद राजतिलक हुआ, तो इस तरीके से हुआ कि जीत के साथ उन्होंने वापसी की है, हालांकि इससे पहले वो लगातार कई दल वो बदलते रहे हैं। आरजेडी के एक ही एक विधायक हैं और इन पे गंभीर भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं, तो नहीं ये भाजपा में भी रह चुके हैं, झारखंड विकास मोर्चा जेबीएम में रह चुके हैं, लेकिन जीते तब जब आरजेडी में। जी मेरा ये कहना है कि हेमंत भाई को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि वो यंग है, डायनेमिक है और अच्छे सोच वाले हैं, तो ऐसे नेताओं, हाँ गठबंधन की मजबूरी है उनकी, लेकिन ऐसे नेताओं से परहेज करना चाहिए जिन पे गंभीर और आपराधिक भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हैं। ठीक है, तो ये तस्वीरें शपथ ग्रहण की हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आरजेडी की ओर से सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली है। हेमंत सोरेन सरकार के नए युग की शुरुआत आज से झारखंड में। मुख्यमंत्री